रहा है गुरमीत जी, गुरमीत जी, गुरमीत जी, अच्छा वो एक बार मैप दिखाते हैं हम वो पूरा एक बार नक्शा दिखाएंगे आपको, जिसके जरिए आज हम डिबेट जो कर रहे हैं कि किस तरह से दुनिया के 18 मुल्कों के साथ चीन का विवाद है। आप देखिए चीन को कैसे घेर सकता है भारत, जो अंतर्राष्ट्रीय घेरेबंदी का जो हम जिक्र कर रहे हैं ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। जो भूटान, कंबोडिया, जापान, इंडोनेशिया, मतलब कोई मुल्क, मलेशिया, ऐसा कोई मुल्क नहीं है, सिंगापुर, साउथ चाइना सी, वियतनाम, रूस, मतलब पूरी दुनिया में संभवता है कि वियतनाम ऐसा कोई मुल्क हो जिसके साथ चीन का सीमा विवाद ना हो। कुल मिलाकर आपको बता दें ऐसे जो है करीब 18 मुल्क हैं जिनके साथ चीन का विवाद है, चाहे जापान, वियतनाम, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया। मैं एक बार लिस्ट पढ़ देता हूं अपने दर्शकों के लिए, इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से। मतलब कुल 18 मुल्क हैं जिनका चीन के साथ विवाद है, जापान, वियतनाम, इंडिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, भूटान, ताइवान, लाओस, ब्रुनेई, तजाकिस्तान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया। आप समझ रहे हैं ये जो भूमाफिया चीन है ना, ये जमीन हड़पने की जो भूख है चीन की गुरमीत जी, वही उसको लग रहा है ले डूबेगी। भूमाफिया चीन की जो भूख है जमीन हड़पने की, वही उसको ले डूबेगी गुरमीत जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, चाइना का जो बाउंड्री है वो 14 देशों के साथ में है, 12 के साथ में उसने जबरदस्ती से उसको सॉल्व किया है, और भारत और भूटान का अभी बाकी है। ये जो उसने गलती की है ना 15 जून को, ये टेक्टिकल गलती की है, लेकिन इसका बहुत बड़ा स्ट्रेटजिकल इफेक्ट होगा। और अभी जो भारत का और पूरे विश्व का धैर्य टूटा है, इससे अभी चाइना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अभी शुरू होगी। जैसे अभी हमारे पैनल के कुछ एक कहा था कि गलतियां गिनाने की कोशिश की थी, एक्चुअल में अभी चाइना की उल्टी गिनती और उनके अभी जो असफलता होगी उसको गिनने का समय आ गया है। पहले तो अक्साई चिन जाएगा, उसके बाद में टिबेट, और उसके बाद में जिसके जहां जहां प्रॉब्लम है वहां पर अभी चीन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए दो पॉइंट आपने किए थे, बात है सोच और विचार की, ये जानना जरूरी है। जिस प्रकार एक किसी एक्चुअली जो भी पॉलिटिशियन होते हैं उनकी बात पर सिद्धांत के रूप में हम कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो सोच विचार गलत है उसका अवश्य जवाब देंगे। पहली बात कही थी कि सैटेलाइट पिक्चर्स के बारे में और धरती के बारे में और कब्जे के बारे में, मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूं कि 19 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था तीन चीज, नो इंट्रूजन, नो पोस्ट टेकन और नो चेंज इन स्टेटस को, वो पूरा पूर्ण रूप से सत्य है। आप तो बात फिंगर वगैरह की कर रहे हैं, उंगलियों की कर रहे हैं, वहां तो चीन के ऊपर में लाले पड़े हुए हैं साई चीन के लिए। और इसके बाद में जिस प्रकार आपने, एक शब्द होता है गुरमी जी, एक शब्द होता है अंग्रेजी का शब्द है जिसको कहा जाता है सेडिस्टिक प्लेजर, जिसमें चीन को बड़ा दिखाकर, भारत की नाकामी दिखाकर कि हम हार गए, हम डर गए, सरेंडर मोदी, उन्होंने कब्जा कर लिया, हमारे यहां घुसपैठ हो गई, उससे ना एक सेडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है शायद कुछ लोगों को, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं चीन ज्यादा ताकतवर है, हमारी सेना ने तो सरेंडर कर दिया है ना। सुंदर बाला कृष्णन जी, नहीं नहीं, मैं आज भी मैं बोल रहा हूं कि मैं पूछ रहा हूं आपको, उन्होंने हमारे यहां घुसपैठ किया है कि नहीं, और नहीं किया, कौन सी भाषा में समझेंगे, नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कोई घुसपैठ नहीं, जिससे कि कोई पोस्ट पर कब्जा हुआ हो, ये प्रधानमंत्री ने कहा है कोई घुसपैठ नहीं जिससे किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ हो। सर अरे कैसे फिर लड़ाई हुआ, कहां लड़ाई हुआ, फिर हमारे लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वहां जाके लड़ाई। अब मैं आपको बताऊं, मैं बता देता हूं यहां के लड़ाई हुआ। अच्छा सुंदर बालाकृष्णन जी, हाँ मैं बता, सुंदर बालाकृष्णन जी वही चीज है सर, सुनिए सुनिए सुंदर बालाकृष्णन जी, थोड़ा सुन लीजिए आप सर, सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आज के बाद आपके सारे भ्रम जाल जो है टूट जाएंगे। सुनिए सुनिए, अगर आप प्रधानमंत्री के बयान को सुनते जो उन्होंने कहा था, LAC है वो, LOC नहीं है, LAC पर एरिया ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, वो एरिया ऑफ डिफरेंसेस में दोनों मुल्क उस जगह पर दावा करते हैं, एरिया ऑफ डिफरेंसेस 2013 का बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट है,
जिसके हिसाब से वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, वो जगह ना भारत की ना चीन की, नो मैंस लैंड एक तरीके से आप कह लीजिए, एलएसी पर, एरिया ऑफ डिफरेंसेस, वहां पर टकराव हुआ था, समझ आया? ना भारत में ना चीन में कोई नहीं घुसपैठ हुई।